चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। निजी टीवी दुनिया न्यूज के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून, जिन पर सदर ममलुकत आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, दोनों कवानीन के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कालअदम करार दिया जाए, ये आइन से मुतसादिम है। अगर उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया तो ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। सदर ममलुकत आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की तरदीद करते हुए कहा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ममलुकत का कहना है कि मैं तो उन कवानीन से इख्तिलाफ करता हूँ और मैंने अपने स्टाफ से ये बिल वापस भेजने का कहा था और कहा था कि वो बगैर दस्तखत शदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके, लेकिन अमले ने मेरी ख्वाहिश से इन्हिराफ और हुक्म उदूली की। सदर ममलुकत ने बताया कि उन्होंने अपने अमले से कई बार तस्दीक की कि आया वो बिल वापस जा चुके हैं, तो मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं, ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया।